दोस्तों अपनी आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताएंगे जिसका नाम भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी के नाम पर रखा गया था। इस शहर में एशिया का सबसे बड़ा पार्क मौजूद है, साथ ही भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर भी इसी शहर में मौजूद है। ये शहर अपनी चिकन कारीगरी के लिए विख्यात है और एक सर्वे में इसे भारत का दूसरा सबसे खुशहाल शहर भी माना गया है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं नवाबों का शहर यानी लखनऊ की। सभी दर्शकों से हम एक सवाल पूछना चाहेंगे, लखनऊ नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में किस चीज का ख्याल आता है? वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज करके कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब बता सकते हैं। दोस्तों लखनऊ शहर के बारे में वैसे तो आप सभी ने काफी कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम आपको लखनऊ के बारे में कई ऐसी जानकारी और रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कहा जाता है कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी के नाम पर इस शहर का सबसे पहले नाम लक्ष्मणपुर रखा गया था। इसके बाद समय समय पर इसके नाम में बदलाव आते रहे। लक्ष्मणपुर के बाद इस शहर का नाम लखनपुर रखा गया। इसके बाद 12वीं शताब्दी में एक राजा ने अपनी रानी के नाम पर शहर का नाम लखनावती कर दिया था। आज इस लखनऊ को हम देखते हैं उसकी स्थापना सन 1775 में नवाब आसफउद्दौला खान ने की थी। उनके काल को लखनऊ का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। लंबे समय तक लखनऊ को अवध की राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद हुआ करती थी, लेकिन 1920 में इलाहाबाद की बजाय लखनऊ को राजधानी बना दिया गया। आज के समय में लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर गोमती और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ शहर अपने लखनवी अंदाज, मेहमान नवाजी और तहजीब के लिए भी जाना जाता है, इसलिए तो इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। 17 से 18वीं शताब्दी के दौरान लखनऊ पर अधिकांश नवाबों ने ही राज किया था। 1857 के विद्रोह की जब बात आती है तो लखनऊ शहर का जिक्र जरूर किया जाता है। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था। बाद में कानपुर और बंगाल तक ये चिंगारी पहुंची। साल 2015 के एक सर्वे के अनुसार लखनऊ को चंडीगढ़ के बाद भारत का दूसरा सबसे खुशहाल शहर माना गया था, और ये बात पूरी तरह सही भी है। लखनऊ में आपको लोगों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान नजर आएगी, और आपने वो कहावत तो सुनी होगी, मुस्कराइए जनाब क्योंकि आप लखनऊ में हैं। लखनऊ की हवा ही कुछ ऐसी है कि यहाँ आने वाले लोगों के चेहरे पर मुस्कान अपने आप ही आ जाती है। आज लखनऊ की कुल आबादी 38 लाख के आसपास है। इस शहर की गिनती भारत के सबसे शिक्षित शहरों में की जाती है। लखनऊ का लिटरेसी रेट 82% तक पहुँच गया है। लखनऊ शहर कुल 631 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर 77% लोग हिंदू हैं, तो वहीं लगभग 20% आबादी मुसलमानों की है। भारत में सबसे अधिक शिया मुसलमान लखनऊ में ही रहते हैं। लखनऊ के बारे में एक और रोचक बात यह है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात लखनऊ रेलवे स्टेशन पर हुई थी। दोनों दिसंबर सन 1916 को पहली बार एक दूसरे से मिले थे। लखनऊ शहर अपने चिकन के काम के लिए काफी फेमस है। चिकन कारीगरी का काम यहाँ पर पिछले 400 सालों से भी अधिक समय से किया जा रहा है। अगर आपको लखनऊ में शॉपिंग करनी है तो यहाँ की अमीनाबाद मार्केट में जा सकते हैं। ये मार्केट 175 साल पुरानी बताई जाती है। यहाँ पर आपको दुनिया में सबसे बड़ी चिकन कारीगरी वाले कपड़े मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपको महंगे और ब्रांडेड चीजों की शॉपिंग करनी है तो हजरतगंज का रुख कर सकते हैं। लखनऊ शहर अपने जायके के लिए भी जाना जाता है। आप वेज खाने के शौकीन हैं या नॉन वेज के, ये शहर आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने देगा। एक और आपको बिरयानी, कबाब और कोरबा जैसे नॉन वेज खाना इस शहर में मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट की भी यहाँ कोई कमी नहीं है। लखनऊ को यदि शायरी और गजलों का शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ की बोली में भी शायरी और गजल की झलक देखने को मिल जाती है। हिंदी भाषा के अलावा लखनऊ में लोग अवधी और उर्दू भाषा का भी प्रयोग जमकर करते हैं। भारतीय सिनेमा में कई फिल्में बन चुकी हैं जिनमें लखनऊ का जिक्र किया गया है। लखनऊ सेंट्रल, इशकजादे, बरेली की बर्फी, गदर, दावत इश्क, शतरंज के खिलाड़ी, शादी में जरूर आना जैसी बॉलीवुड फिल्मों में लखनऊ के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी दिखाई गई है। अगर आप कभी लखनऊ जाएं तो यहाँ का लखनवी पान खाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बनारस के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में लखनऊ का पान ही सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। लखनऊ भारत का पहला शहर है जहाँ STD कॉलिंग की शुरुआत की गई थी। लखनऊ शिक्षा के मामले में काफी आगे रहता है। यहाँ पर कई प्रमुख शैक्षिक संस्थान है जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, IIM लखनऊ, लॉ मॉन्ट्रीनियर कॉलेज आदि। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भी लखनऊ में ही मौजूद है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में 60,000 से अधिक बच्चे पढ़ाई करते हैं। लखनऊ की भातखंडे म्यूजिक इंडस्ट्री की स्थापना पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा की गई थी। भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश जैसे अनेक देशों से लोग यहाँ पर संगीत कला सीखने आते हैं। इसके अलावा लखनऊ का कथक नृत्य भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दोस्तों वैसे तो लखनऊ में घूमने के लिए इतना कुछ है कि सबके बारे में एक वीडियो में बताना संभव नहीं है,
लेकिन फिर भी हम आपको कुछ पॉपुलर जगहों के बारे में बता देते हैं। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में सबसे प्रसिद्ध है। इसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1784 में कराया गया था। यहाँ पर 163 फीट लंबा हॉल है और कहा जाता है कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का नियम फेल हो जाता है। इतना बड़ा हॉल बिना किसी पिलर के टिका हुआ है, जो वाकई काफी हैरानी वाली बात है। गोमती नदी के किनारे स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क न सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। ये कुल 376 एकड़ में फैला हुआ है। लंदन के हाइट पार्क की तर्ज पर ही इस पार्क को बनाया गया था। दिलकुशा कोठी एक भी पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है। अंग्रेजों ने सन 1800 में इसका निर्माण कराया था। लखनऊ का चिड़ियाघर भारत के सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से एक है, जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी। भारत का सबसे बड़ा घंटाघर भी लखनऊ के हुसैनाबाद में है। कहा जाता है कि 1870 से लेकर आज तक इस क्लॉक टावर की घड़ी कभी बंद नहीं हुई। हनुमान सेतु मंदिर और चंद्रिका देवी मंदिर जैसे कई प्राचीन मंदिर भी लखनऊ में है। इन सब के अलावा शहीद स्मारक, ब्रिटिश रेजिडेंसी, बोटानिकल गार्डन, बुद्धा पार्क, सिकंदर बाग, कुकरेल के जंगल, रूमी दरवाजा, अम्बेडकर पार्क जैसी कई जगह हैं जहां आप लखनऊ में घूमने के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी नवाबों के शहर लखनऊ के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप में से कोई लखनऊ से हमारी वीडियो देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप कभी लखनऊ घूमने गए हैं तो लखनऊ की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, इस बारे में भी हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ।